हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डब्ल्यूबी फ्रीमर सॉल्यूशन। दिस इज संजना गिरी। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर सिक्स, अप टू क्वेश्चन नंबर सिक्स। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर सेवन। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वांट टू से दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो चलो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन से। ज्योमेट्री बहुत ही ईजी होता है और इसे बनाने में थोड़ा थोड़ा ही दिमाग लगाना पड़ता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। तो गाइज प्लीज आप लोग वीडियो ध्यान से देखो और समझो। ओके, तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन में दिया हुआ है, यहाँ पे देखो ए बी पैरेलल सी डी है और यहाँ पी क्यू इस टाइप से, यहाँ पे क्यू दिया हुआ है, पी क्यू आर, और हमें इस एंगल का वैल्यू निकालना है। एंगल पी क्यू आर का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। ये हमें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन है। तो चलो हम निकालते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। हमारा ड्राइंग कुछ इस प्रकार से है, ए बी पैरेलल सी डी, और इस एंगल का हमें वैल्यू निकालना है। ये पी क्यू और आर है, इस एंगल का हमें वैल्यू निकालना है। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं इसे। इसमें पहले हमें लिखना होगा ए बी पैरेलल, तो पहले हमें लिखना होगा सिंस पी क्यू एंड क्यू आर, सिंस पी क्यू एंड क्यू आर, पहले हम लिख लेंगे कि ए बी पैरेलल सी डी है, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे कि सिंस पी क्यू ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, ओके, एंड पी क्यू एंड क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर इंटरसेक्ट करता है, दोनों क्यू बिंदु पर काटते हैं। ओके, पी क्यू एंड क्यू आर इंटरसेक्ट सेक्ट एट पॉइंट क्यू। ओके, क्यू बिंदु पर ये लोग काटते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो अब हम यहां से फ्रॉम पॉइंट क्यू, क्यू से मैंने एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ए बी और एंड सी डी, मैंने एक क्यू एम यानी एक पॉइंट लिया मैंने एम। ओके, तो हम यहां पे लिखते हैं फ्रॉम पॉइंट क्यू पैरेलल टू, इसके समानांतर में क्यू, फ्रॉम पॉइंट क्यू, क्यू से ए बी और सी डी के समानांतर में पैरेलल टू ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा, अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट क्यू पैरेलल टू ए बी एंड सी डी, अ स्ट्रेट लाइन क्यू एम इज ड्रॉन। एक हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन यानी एक सरल रेखा क्यू एम हम लोगों ने लिया, एक सरल रेखा क्यू एम लिया। अब इसके बाद अभी देखिए, मैंने अभी क्या किया है कि इसके पैरेलल में लिया है, ठीक है। ए बी के पैरेलल में हमने एक क्यू एम, एक स्ट्रेट लाइन लिया है। इसका मतलब क्या है कि हम इससे जब हम ऐसा ले सकते हैं तो हम इसको बोल सकते हैं सो क्यू एम पैरेलल टू ए बी, ओके, एंड इसके भी पैरेलल है क्यू एम पैरेलल टू सी डी। ऐसे हम बोल सकते हैं क्यू एम पैरेलल टू ए बी एंड क्यू एम पैरेलल टू सी डी। ओके, अब यदि पैरेलल है तो क्या हो सकता है, आप लोग देखो ध्यान से। इस टाइप से हमारा ड्राइंग है, यानी कि यहाँ एक यहाँ दो सरल रेखा पैरेलल लाइन है, समानांतर रेखा है, ठीक है। और इस तरह से हमारा, इसको मैं ड्रॉ कर रही हूँ ऐसे इस टाइप से, और एक ये त्रियक यानी कि ट्रांसवर्सल है, यदि इसे काट रही है तो हम क्या कर, क्या लिखते हैं, हमारा ये समझो कि ये पी है, ये क्यू है और ये एम है। ओके, तब हम ऐसे क्या लिखेंगे, जब इस टाइप से हमारा रहे दो समानांतर रेखा है, यहाँ पे ए बी, ये ए बी है
और ये QM है सब अच्छा यहाँ पे QM है Q और M है। जब इस टाइप से रहे तो हम क्या लिख सकते हैं कि APQ यानी कि ये एकांतर कोण यहाँ पे बन रहा है, अल्टरनेट एंगल बन रहा है। अच्छा यहाँ दिया हुआ है, सॉरी मैंने यहाँ लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल का वैल्यू 30 डिग्री दिया है और एंगल QRC का वैल्यू यहाँ पे 40 डिग्री दिया हुआ है। ओके ये 40 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। तो आप देखो कि इस टाइप से हमारा ये सरल दो पैरेलल लाइन है और यहाँ पे एक त्रिज्या काट रही है, तो क्या होता है ये यहाँ पे एकांतर कोण बन रहे हैं। और एकांतर कोण जब दो पैरेलल लाइन का एकांतर कोण तब क्या होता है, पैरेलल लाइन में इक्वल होते हैं एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ इसलिए हम लिख सकते हैं सो एंगल ए पी क्यू, ये वाला एंगल, एंगल ए पी क्यू दैट मीन्स ये एंगल ए पी क्यू इक्वल टू अल्टरनेट, या यहाँ पे हम एकांतर ए पी क्यू इक्वल टू एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल पी क्यू एम लेंगे, ठीक है पी क्यू एम ये एंगल, एंगल पी क्यू एम। ओके एकांतर कोण बन रहा है। अब यहाँ देखो एपी क्यू का वैल्यू हमारा कितना है, 30 डिग्री है। अब ये जो ये एंगल है यानी ये जब 30 डिग्री है अब ये इसके इक्वल हो गई है यानी एकांतर कोण इक्वल होते हैं, इसका मतलब हमारा ये भी 30 डिग्री हो गया है, ये 30 डिग्री है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो पी क्यू एम इक्वल टू 30 डिग्री हम लिख सकते हैं। ओके पी क्यू एम इक्वल टू 30 डिग्री। अब इसी तरह से हम इसको भी हम लोग करते हैं क्यू आर सी। ओके तो अब मैं इस ड्राइंग को इस तरह से घुमा दे रही हूं ताकि आप लोगों को समझने में सुविधा हो। यहाँ पे ये क्यू एम है, क्यू एम है और यहाँ समझो कि ये आर डी है, ठीक है। और इस तरह से हमारा ये आर यहाँ पे इस टाइप से एक देखो क्यू एम, ये क्यू एम और इस तरह से यहाँ पे ये पॉइंट आर है, क्यू आर एक त्रिज्या है, ओके ट्रांसवर्सल है और इसका एंगल ये इसका दिया हुआ है वैल्यू 40 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि सो यहाँ भी इसी तरह से हम लिख सकते हैं, पहले यहाँ लिख दो कि यहाँ पहले हम लोगों ने लिख दिया है कि क्यू एम पैरेलल टू सी डी, इसलिए अब यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है क्यू एम पैरेलल टू सी डी। ओके सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो एंगल, आप लोग ध्यान देना यहाँ पे आर, ये देखो सी क्यू आर क्यू एम आर क्यू एम। ओके ये सी यहाँ पे रहेगा आर क्यू एम, ये एंगल आर आर क्यू एम, सॉरी मैंने ये गलती से यहाँ बता दिया सी आर क्यू, ये एंगल ठीक है सी आर क्यू ये वाला एंगल, एंगल सी आर क्यू अल्टरनेट एकांतर कोण, देखो ये एंगल इस एंगल के बराबर है अल्टरनेट एंगल आर क्यू एम दैट मीन्स आर क्यू एम ये एंगल। ओके आर क्यू एम इसका मतलब ये जो सी आर सी आर क्यू का वैल्यू यहाँ पे 40 डिग्री दिया हुआ है, इसलिए ये आर क्यू एम का वैल्यू भी हमारा 40 डिग्री हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो एंगल आर क्यू एम इक्वल टू 40 डिग्री। ओके अब आप देखो कि इसका वैल्यू हमें पता चल गया 30 डिग्री और इसका वैल्यू भी हमें पता चल गया 40 डिग्री। अब ये पी क्यू आर यानी कि ये टोटल कितना हो जाएगा, हम टोटल को कैसे लिख सकते हैं, सो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी क्यू आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू एम, एंगल देखो यहाँ पे है एंगल पी क्यू एम ये वाला एंगल प्लस एंगल आर क्यू एम। ओके आर क्यू एम ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि पी क्यू एम का वैल्यू हमारा 30 डिग्री आया हुआ है
और RQM का वैल्यू हमारा यहाँ पे 40 डिग्री आया हुआ है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं PQR इक्वल टू यहाँ 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री, दैट मीन्स PQR इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, दैट इज द आंसर। ये PQR का वैल्यू 70 डिग्री निकला, PQR, ठीक है, अल्टरनेट एंगल है इसलिए ये इक्वल हुआ और यहाँ से हमारा निकल गया, दोनों को इक्वल कर दिए और यहाँ पे दोनों को ऐड कर दिए तो हमारा एंगल निकल गया। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस टाइप से दिया हुआ है गाइज। ये वीडियो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो यदि ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग फिर देखोगे नहीं। सो प्लीज आप लोग सेफ रहो और घर में रहो और प्लीज मेरे वीडियो को देखते रहो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ओके, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, बाय बाय।